नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हरिद्वार या ऋषिकेश में एक ऐसे आश्रम की तलाश में हैं जहां पर वह अपने जीवन के बचे हुए पल सुकून, शांति, तप, ध्यान, साधना, यज्ञ करते हुए बिता सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक आश्रम की जानकारी दूंगा जो कि हरिद्वार में स्थित है, जिसका नाम है आर्य वानप्रस्थ आश्रम। और आप इस आश्रम को देख भी सकते हैं, ये है आर्य वानप्रस्थ आश्रम। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति यहाँ बनाए गए नियमों के साथ रहते हैं और निस्वार्थ इस आश्रम को अपनी सेवाएं भी देते हैं। मैं आपको इस आश्रम से जुड़ी हुई सभी जानकारी दूंगा, यहाँ रहने के क्या नियम हैं, आपको यहाँ रहने के लिए क्या क्या करना होगा, आश्रम में क्या क्या सुविधाएं हैं, ये समस्त जानकारी को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप आर्य वानप्रस्थ आश्रम को देख सकते हैं। चलते हैं आश्रम के अंदर और जो यहाँ के दृश्य हैं उनको देखेंगे। इस आश्रम की दूसरी शाखा इसी शाखा के सामने है, मैं आपको वहाँ के भी दृश्य दिखाऊंगा। फिलहाल आप शाखा नंबर 1 को देख सकते हैं। शाखा के अंदर बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी लगाए गए हैं जिससे कि यहाँ पर स्वच्छ और ताज़ी हवा मिलती है और यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा रहता है। आर्य वानप्रस्थ आश्रम का निर्माण 1928 में किया गया था, तब से यहाँ ध्यान साधना के साथ लोग रहते हैं। इस आश्रम में रहने के लिए सैकड़ों कुटियाँ बनी हुई हैं, मैं आपको यहाँ की कुटिया, यज्ञशाला, सत्संग भवन भी दिखाऊंगा। यहाँ पर गौशाला भी है जहाँ 20 से ज़्यादा गाय हैं जिससे कि दूध लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, यहाँ पर आपको शुद्ध और अच्छा दूध यहाँ मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ की कुटिया को देखते हैं जो यहाँ पर कुटिया बनाई गई हैं। यहाँ पर वैसे 3 तरह की कुटिया हैं। सबसे पहले यहाँ की कुटिया को देखते हैं, यहाँ पर जो कुटियाएँ बनाई गई हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर 3 तरह की कुटियाएँ उपलब्ध हैं। एक ऐसी है जिसमें सिंगल रह सकते हैं, जैसे कि पुरुष या महिला सिंगल रहना चाहे तो भी यहाँ पर रह सकते हैं। और उसके साथ अगर आप पति पत्नी हैं, दंपति हैं, अगर आप तब भी यहाँ पर रहना चाहें तो भी आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस कुटिया को देख सकते हैं। इस कुटिया में काफ़ी जगह है, पंखा, कूलर की सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर किचन भी है। और यहाँ पर है वॉशरूम, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा स्पेस भी है। और अब चलते हैं आगे, जो कुटिया है उनको भी देखेंगे। और यहाँ पर इस कुटिया को भी आप देख सकते हैं। इस कुटिया में आपको फ्रिज, कूलर, किचन और वॉशरूम की सुविधा मिलेगी और आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी कुटियाँ हैं, मैंने आपको बताया है कि सैकड़ों कुटियाँ हैं, तो कुछ कुटियाँ जो और अच्छी वाली हैं उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
पूरे आश्रम में हरे भरे पेड़ लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर और भी कुछ कुटिया हैं तो आप देख सकते हैं, जो नई तैयार हुई हैं, आप इसको भी देख लें। इस कुटिया में आपको एक छोटा सा रूम और एक बड़ा रूम, और यहाँ पर एसी, फैन, फ्रिज, वॉशरूम की सुविधा आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पर एक छोटा सा किचन भी है जो बड़े रूम में बना हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह आपने कुटिया को देख लिया होगा। अब यहाँ की जो टर्म एंड कंडीशन है, जो नियम है, रूल हैं, उनको भी जानेंगे, ताकि जो सबसे ज़रूरी है उसकी जानकारी आपको ज़रूर हो सके। तो दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ रहने के लिए क्या योग्यता है, आप यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। नंबर वन, आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर टू, आपके समस्त उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाने चाहिए। इसको विस्तार से जानते हैं, जैसे कि आपके पुत्र पुत्रियां हैं तो उनकी सभी की शादी हो जानी चाहिए। आपको खुशी से अपने परिवार को छोड़कर आना होगा। ऐसा ना हो कि आपको घर से निकाला गया है, क्योंकि ये एक वृद्धा आश्रम नहीं है। आप खुशी से अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आकर और अपने आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें, आपका पूरा उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाना चाहिए। नंबर तीन, यहाँ पर कोई भी पुरुष या महिला सिंगल रहना चाहे तो भी रह सकता है, और दंपति, पति पत्नी भी आकर यहाँ पर रह सकते हैं। नंबर चार, अगर आप यहाँ पर पूरी उम्र तक रहना चाहते हैं तो मिनिमम 3 महीने यहाँ के बनाए गए नियमों के साथ रहना होगा। सुबह शाम यज्ञशाला में जाना होगा, मंत्रों का उच्चारण करना होगा, ध्यान लगाना होगा। 3 महीने के बाद परीक्षा होती है, मंत्रों को सुनाना होता है। मंत्रों के बारे में जो आपने 3 महीने में सीखा है उसकी जानकारी आपको देनी होगी। परीक्षा में पास होने के बाद उन सभी लोगों को दीक्षा दी जाती है, हवन होता है और नाम बदलकर आर्य और महिलाओं के लिए यति रख दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ एक कुटिया मिल जाती है। कुटिया के लिए आपको यहाँ पर एक दान स्वरूप एक अमाउंट भी देना होगा, क्योंकि ये जो पूरा आश्रम है ये दान स्वरूप चलता है। ये यहाँ पर जो कुटिया है वो ना बेची जाती है, ना ही रेंट में दी जाती हैं। यहाँ पर एक दान स्वरूप आपको एक अमाउंट देना पड़ेगा, जो इस समय 1.5 लाख रुपए के आसपास है। आपको वो अमाउंट देना होगा और उसके बाद आप उस कुटिया के पात्र हो जाओगे, आप वहाँ पर रह सकते हो। नंबर पाँच, अगर कोई महिला विधवा है या पति नहीं आना चाहता है तो यहाँ आकर वो रह सकती है। अगर कोई पुरुष अकेला है या पत्नी नहीं आना चाहती है तो पुरुष भी अकेला रह सकता है। अगर पति पत्नी दोनों आना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आकर रह सकते हैं। बस उम्र का ध्यान रखना है, 60 साल से कम नहीं होनी चाहिए और आपका उत्तरदायित्व पूर्ण होना चाहिए। अब नंबर छः है, कुटिया किराए पर नहीं दी जाती, ना ही बेची जाती है। जो व्यक्ति दाम देता है उसे अनुमति मिलती है, वो आजीवन रहने के लिए यहाँ पर रह सकता है। नंबर छः, कुटिया का मेंटेनेंस चार्जेस और बिजली का बिल आपको देना होगा। नंबर सात, भोजन की यहाँ पर उचित व्यवस्था है, आप यहाँ पर भोजनालय में भी भोजन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपये एक समय का भोजन मिल जाएगा। 10 रुपये में आपको नाश्ता और 5 रुपये में आपको चाय मिल जाएगी। बाकी आप अगर कुटिया में भोजन तैयार करना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। नंबर आठ, यहाँ पर रहने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए, अपना पूरा काम स्वयं कर सके, यहाँ की कोई जिम्मेदारी मिले तो उसे भी कर सके। दोस्तों, मैं आपको यहाँ के जो नियम है उसकी लिस्ट भी दिखाऊंगा, ताकि और भी जानकारी जो छूट गई हैं वो भी आपको मिल सके। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको दूसरी शाखा भी दिखाऊंगा और थोड़ी देर में हम दूसरी शाखा में चलेंगे, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर और सुविधाएं हैं उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप यज्ञशाला को देख सकते हैं, ये है यहाँ की यज्ञशाला जहाँ सुबह शाम यज्ञ होता है।
और अब आप सत्संग भवन को देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सत्संग भवन भी है जहाँ पर काफ़ी बड़ा स्पेस है और आराम से यहाँ पर लोग बैठकर सत्संग सुनते हैं। अब चलते हैं गौशाला में और देखते हैं, एक झलक गौशाला के भी देख लें। तो गौशाला जहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, और ये है गौशाला जहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी आपको गाय दिख रही होंगी। इस आश्रम में एक चिकित्सालय भी है जहाँ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एक अलग से 3 बेड का वार्ड भी बनाया गया है जहाँ तीनों बेड में ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ के कुछ नियम की लिस्ट दिखाऊंगा, उसके बाद चलेंगे दूसरी शाखा में और वहाँ के भी कुछ दृश्य देखेंगे। ये है लिस्ट जिसमें ज़रूरी जानकारी यहाँ के बारे में लिखा है, आप इसको ज़रूर पढ़ लें ताकि हर एक जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात है, अगर आप शुरू के 3 महीने यहाँ पर रहेंगे तो 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा। खाने के लिए अगर आप भोजनालय यूज करेंगे तो 30 रुपये पर प्लेट आपको भोजन मिलेगा, 10 रुपये की आपका नाश्ता रहेगा, 5 रुपये की चाय रहेगी। अगर आप भोजन कुटिया में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। 3 महीने के बाद जब आप परीक्षा पास कर लेंगे उसके बाद दान स्वरूप एक अमाउंट जमा करना होगा, उसके बाद आपको एक कुटिया मिल जाएगी। और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो यहाँ पर आजीवन रहना चाहते हैं तो यही प्रोसेस है। दोस्तों आर्य वानप्रस्थ आश्रम की एक वेबसाइट भी है, अगर कोई और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको और भी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख भी सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं दूसरी शाखा में। ये जो मुख्य शाखा है इसी के सामने इसकी दूसरी शाखा भी उपलब्ध है, तो ये देख सकते हैं ये है गेट। और अंदर चलते हैं, वहाँ के भी सुंदर दृश्य मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी शाखा ये भी है और यहाँ पर भी बहुत सारी कुटियाएँ बनी हुई हैं जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति रहते हैं। तो दोस्तों सबसे जो मेन बात है उसको भी जानेंगे। अब जानते हैं कि ये आश्रम हरिद्वार में कहाँ पर है और इस आश्रम तक कैसे पहुँचें। तो मैं आपको बता दूँ ये आश्रम हरिद्वार के ज्वालापुर में है, जो कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर और ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको 5 किलोमीटर चलना होगा, आप इस आश्रम तक पहुंच जाएंगे। आपको कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेशन से ई रिक्शा ऑटो विक्रम आसानी से मिल जाएगा जो आपको इस आश्रम तक पहुंचा देगा। दोस्तों वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं, फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से और भी अच्छी तरह से जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं आप आसानी से ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करने के साथ आगे शेयर ज़रूर करें ताकि हर एक ज़रूरतमंद को जो इस ऐसी आश्रम की तलाश में है उसको ये जानकारी मिल सके। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। और हरिद्वार और ऋषिकेश की अगर ऐसे ही और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।